हेलो दोस्तों, वेलकम। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है ट्यूटर स्पेस। क्या आपको पता है ट्यूटर स्पेस क्या होता है? पहले ये जाने कि आपको ट्यूटर स्पेस क्या होता है, तो मैं एक फॉर एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे आप आईमो पे ब्रॉड चलाते हैं, उसी टाइप से लोगों से बात करने के लिए ये एक अच्छा सा वे है। तो आपको यहाँ पर भी अपना ब्रॉड, खुद का ब्रॉड बना सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स आप इनक्रीस कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट है और लोगों के साथ दोस्ती भी बना सकते हैं, अच्छे लोग भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको इसी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहें और कहीं मत जाएं, स्किप बिल्कुल मत करें। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप समझें, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम ट्यूटर पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, उसके बाद ट्यूटर का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रॉड आपको कहाँ पे नज़र आएगा। जो भी ब्रॉड आप बनाते हो या किसी दूसरे के ब्रॉड में अगर आप फॉलो उस बंदे को कर चुके हैं तो वो बंदा कहाँ पे शो करेगा। अगर वो ब्रॉड ऑन करके बैठा हुआ है या फिर किसी और के ब्रॉड पे बैठा हुआ है तो आपको कैसे आप पता करें? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला निशान जिसमें आप लिखा हुआ है 4+। तो यहाँ पर ये बंदा एक, इसमें जो है मेरा एक फॉलोअर्स, मतलब मैंने फॉलोइंग किया है जो भी है, तो यहाँ पर वो शो करेगा। तो हम इसके ब्रॉड पे अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, फिर कनेक्टिंग हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा? तो यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। देखिएगा कि उसकी आवाज़ें जो काफ़ी आने लगेंगी, वो लोग जो आपस में बातें कर रहे होंगे वो सारी बातें यहाँ पर आपको सुनाई देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, मैं ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन दिस स्पेस। तो ये देखिए, मैंने ज्वाइन कर लिया स्पेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 आदमी, आप देखिए यहाँ पर बढ़ गए आदमी जो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपस की बात है, जानी आपस की बात है, सीए की ना, मैं बुक्स वगैरह लेके आ गया बोलना है, बट ना फिर मुझसे नहीं हुई भाई, हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद जाके देख आया मैं, आप रिप्रेजेंट करके आप स्पीकर उनमें होती है जो इसको एज ए चैलेंज लेते हैं, ठीक है, और वही कर सकते हैं। इस तरफ से ये जो शेयर का ऑप्शन आया है, शेयर कर सकते हैं उस फ्रेंड को, वो शेयर ओके। ये रहा, आप किसी के ब्रॉड में जा करके उससे बातें कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर कट करके आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताया। मैं आपका अपना खुद का ब्रॉड ऑन करके आपको बताऊँगा सारा सेटिंग। तो आपको मैं बताऊँगा कि आप अपना खुद का ब्रॉड कैसे ऑन करते हैं ट्विटर पर। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन या फिर कोई न्यूज़ फीड ये देखने को जो मिल रहा है, तो ये ऑप्शन पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक प्लस आइकन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये प्लस आइकन पर आप क्लिक करें। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको स्पेस पर क्लिक करें। स्पेस पर मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद योर स्पेस, उसके बाद स्पेस और पब्लिक एंड एनीवन के ज्वाइन। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नाम लिखना है, मतलब ब्रॉड का आप जो भी टॉपिक देना है आपको यहाँ पर ब्रॉड का टॉपिक देना होगा। फॉर एग्जांपल लव इज़ लाइफ, मैं कुछ भी टॉपिक देता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, जैसी भी टॉपिक दो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पर शॉर्टली आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर टॉपिक दे चुका हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आप अब मैं
स्टार्ट करता हूँ, या फिर अगर हमको किसी मतलब शेड्यूल बनाना है कि मैं बाद में स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर नीचे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अभी स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर स्टार्ट योर स्पेस पर क्लिक करके आप अपना ब्रॉड ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ब्रॉड अब ओपन हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये आपको सबसे इधर साइड वाला ऑप्शन जो है जिसमें तीन ये वाला दिया हुआ, इससे आप किसी को शेयर कर सकते हो, आप किसी को अपने ब्रॉड पे बुला सकते हो। आपको डीएम करना होगा, तो यहाँ पर आप किसी भी बंदे को डीएम करके, जो भी आपके फॉलोवर्स होंगे आप उसको डीएम करके अपने ब्रॉड पे बुला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको डीएम करके अपने ब्रॉड पे मतलब उसको इनविटेशन भेजा कि आप मेरे ब्रॉड पे आओ। उसके बाद सेकंड है, आपको यहाँ पर जो भी ट्वीट रहेगा वो आप यहाँ पर शेयर व्यू ट्वीट्स, जो भी ट्वीट रहेगा आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो अगर आप किसी को चाहेंगे कि व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी लिंक दे करके वो बंदा को अपने ब्रॉड तक लाए, तो यहाँ से लिंक कॉपी करके आप उनको डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। और सेकंड में ये हार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इमोज, अगर कोई लोग बात कर रहे हैं, अगर कुछ हंसी का मोमेंट आया तो यहाँ पर हंसी वाला इमोज हम भेज सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और किसको मैं इन्विटेशन भेजा हूँ, कितने स्पीकर है और कितने रिक्वेस्ट लिसनर है और कितने को रिमूव किया गया है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा आपका जो ब्रॉड है, यहाँ पर शो कर रहा है, कोई भी यहाँ पर जो भी आपका फॉलोवर्स होगा वो यहाँ पर इसे ज्वाइन होकर के आपके ब्रॉड पे आ जाएगा। अगर आपको अनम्यूट करना है तो यहाँ से आप अनम्यूट कर सकते हो, फिर आपस में बातें कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है लव इज लाइफ, तो इसी टॉपिक पे आप चाहोगे तो बात कर सकते हो, आपकी मर्जी जो भी टॉपिक देना है वो आप टॉपिक डाल करके मेंबर लोगों से बातें कर सकते हो। ये रहा छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। तो अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।